अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश हो और मज़े में हो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआएं और आप सबका प्यार है। तो जनाब जी, सुबह सुबह ही मैंने सोचा कि आपको आज सुबह का जो प्यारा सा व्यू है ना स्नो का, वो दिखा दूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारा लगता है। हमारा तो इससे रोज़ाना वास्ता पड़ता है, और जब भी मैं इसको विंडो से देखती हूँ या स्नो क्लीन करने बाहर जाती हूँ, तो दिल करता है इसको थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। छोटे छोटे क्लिप हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और आपको पसंद भी बहुत आते हैं। खाना आज मैं सुबह ही बना रही हूँ, और मैंने आज ये डिसाइड कल ही कर लिया था। कल मैंने फ्रिज खोला ना, तो बेल पेपर पड़ी हुई थी माशाल्लाह से, मल्टी कलर की बेल पेपर, इतनी प्यारी लगती है। और ये बड़ा बैग आ गया हुआ था, इसको मैंने चाइनीज़ में एक दो दफ़ा यूज़ किया, लेकिन फिर भी अभी मेरे पास ये काफ़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ मज़ेदार सा एक डिश रेडी की जाए। और ये मैं बना रही हूँ मल्टी बेल पेपर कीमा, और जनाब जी इतना टेस्टी ये तैयार हुआ था ना, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना मज़ेदार बनेगा। क्योंकि हमारा जब बचपन था ना, तो हम लोग इस तरह की सब्जियां ना, शिमला मिर्च कीमा नहीं खाते थे। अम्मी अबू बड़े ही मतलब के प्यार से मोहब्बत से ना बनाते थे, और फिर हमें बड़े प्यार से खिलाते भी थे, बहाने लगा करके ये अच्छा है, इसमें क्या फ़ायदा है। तो फिर भी हम लोग ना बड़ा सिलेक्टेड फूड लेते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के आदत पड़ गई आहिस्ता आहिस्ता। जब पेरेंट्स प्यार से चीज़ों को आपको हैंडल कर देते हैं, तो आप की आदत बन जाती है, और आपकी बॉडी को उनकी ज़रूरत भी होती है। तो मैंने भी सोचा कि आज जो है ना, ये बेल पेपर पड़ी हुई, इनको मैं अब हर वक्त चाइनीज़ नहीं बना सकती हूँ, मतलब कि एक चीज़ खा करके भी आप परेशान हो जाते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट कर लेते हैं आज। तो मैंने इसको कीमे के साथ रेडी कर रही हूँ, और बच्चों को भी मैंने बताऊँगी आपको कि मैंने उनको भी इसी तरह बहाने लगा कर बहुत प्यार से, जैसा कि हमारे पेरेंट्स हमें प्यार से बड़ा किया है, और जिस जिस तरीके से वो हमें खाना खिलाते थे, उसी तरीके से मैंने उनको ये आज का खाना भी खिलाया था। तो चले, यहाँ पे मैंने बेल पेपर जो थी सारी कट कर ली थी, और ये मैं आधा किलो कीमे के साथ इसको रेडी कर रही हूँ। तकरीबन आधा किलो से थोड़ी कम बेल पेपर थी, और आधा किलो कीमा था, तो उसका सालन जो है ना मैं रेडी करूँगी। और ये बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ था। एक कढ़ाई लिया मैंने, और इसके अंदर मैंने डाला है एक बड़े साइज़ का प्याज, मैंने ले लिया था, काफ़ी बड़े साइज़ का था। अगर आपके पास मीडियम है तो आप दो ले लें। तो यहाँ पे मैंने इसको जिस तरह ऑमलेट को कट करते हैं ना, उस तरह मैंने इसको काटा था, और इसके बस हमने इसको लाइट ब्राउन सा करना है। कीमा जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, वो मैं मटन का ऐड कर रही हूँ। और आज मैंने जब कीमा डाला है, तो मैं सोच रही थी कि जनाब जी कीमा थोड़ा ना मैं मोटा कटवाया करूँ, जैसा पाकिस्तान में हाथ से कुटा हुआ कीमा मिल जाता है ना, यहाँ पे वैसे मिलता नहीं है, यहाँ पे मशीन से ही निकाल कर दे देते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं नेक्स्ट टाइम बुचर शॉप पे जाऊँगी, तो सोचूंगी कि जो है ना थोड़ा मोटा जो है ना उसको कीमे को निकाल कर दे, तो उसका टेस्ट ही डिफरेंट आता है। अच्छा, यहाँ पर साथ बात करते जाते हैं और रेसिपी भी को उसको भी कंटिन्यू रखते हैं। एक बड़ा साइज़ का प्याज मैंने डाला है, और तकरीबन मैंने इसमें 8 to 10 क्लॉव गार्लिक के डाले हैं। गार्लिक जो है ना, वो मैं हमेशा छील कर फ्रीज़ करती हूँ इसी तरह, और फिर मुझे आसानी हो जाती है, हमेशा मुझे हर खाने के साथ छीलना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं 1 kg का बैग ले आती हूँ, और उसको छील कर आराम से फ्रीज़ कर देती हूँ। जब ख़त्म होने वाला होता है फिर और ले आती हूँ, और फिर छील के रख देती हूँ। तो यहाँ पर जब हल्का सा आपका कीमा प्याज जो है वो पिंक होने लगे, तो उस वक्त आप इसके अंदर कीमा ऐड करें। कीमा जो है मैंने यहाँ पर हल्का सा रिंस कर करना, तो मैंने इसको टोकरी में डाल रखा ताकि जो पानी एक्स्ट्रा जो निकल जाए। अब आपने प्याज और लहसुन के अंदर कीमा ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं एक सिनेमन स्टिक डाल रही छोटी सी, एक बड़ी इलायची डाल रही हूँ दरमियाने साइज़ की, और एक मैं डाल रही हूँ इसमें स्टार अनीस बादियान का फूल, वो डालकर तो आपने अब कीमे को बहुत अच्छे से भूनना है। मैं सारे मीट के जो रेसिपीज़ होती हैं उसमें ये तीनों चीज़ें ज़रूर डालती हूँ। इससे क्या होता है कि स्मेल मीट में अगर हो भी तो निकल जाती है, लेकिन जो मीट मैं इस्तेमाल करती हूँ उसमें स्मेल वैसे बिल्कुल भी नहीं आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम कीमे को बहुत अच्छे से भूनेंगे, इतना कि इसका कलर जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए, वाइट हो जाए ये, और ये अच्छे से इसका पानी एक्स्ट्रा जो है वो ड्राई हो जाए। अच्छा जी, हम एक ब्लेंडर ले लेंगे, इसके अंदर हमने 3 लार्ज साइज़ के टमाटर ऐड करने हैं। जिंजर आपने इसके अंदर ऐड करनी है तकरीबन 1 tablespoon, और ग्रीन चिलीज़ आप लेंगे 8,
मैंने यहाँ पर तेज़ वाली ली है, आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालकर ना आपने ग्राइंडर में इसकी पेस्ट बना लेनी है, मैंने भी बना ली है। और अब हम क्या करेंगे जी, अपनी बेल पेपर जो थी उनको चॉप कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन ना सारे रंगों की बेल पेपर जो है ना हाफ हाफ ले ली हैं, लेकिन येलो वाली जो है ना वो मैंने फुल ली है। ग्रीन वाली मेरे पास हाफ ही पड़ी हुई थी, वो मैंने ले ली थी। अब इसको मैं इस तरह कट करूँगी, जिस तरह बाइट साइज का पीस होता है ना उतना हमने इसको कट कर लेना है, ठीक है। साथ साथ जो है ना कीमा भी हमारा भून रहा है और उसका जो है ना पानी ड्राई हमने अब करना है। इतना मैं इसमें इसको पका लूँ, कवर मैंने कर दी है ताकि अच्छे से सारा जो उसका ना पानी निकल आए कीमे का और फिर जल्दी कुक हो जाता है वो। तो साथ साथ थोड़ा सा ये होता है कवर करके पकाने का मतलब ये होता है कि कीमा इसी पानी में थोड़ा गल भी जाता है, हाफ डन तो इसी में ही हो जाता है। तो जनाब यहाँ पे मैंने सारे बेल पेपर कट कर लिए, मसाला भी मैंने अपना ग्राइंड कर लिया है और कीमा जो है ना इतनी देर में अच्छे से जो है ना भुना जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो गया है। मैंने अब इसको तकरीबन कवर उठा कर ना अच्छे से भूनना है, इतना कि इसका सारा पानी मैंने ड्राई करना है। और साथ ही अब इसके अंदर हमने ऐड करने थोड़े से मसाले। कीमा को साथ साथ ना वुडन स्पैचुला के साथ आप प्रेस करते जाएं ताकि जो कीमे के दाने हैं ना वो खुल जाएं सारे। जब दाने अच्छे से खुल जाते हैं ना कीमे के पीसीस, तो फिर ही अच्छे से वो भुनता है। अगर मोटे मोटे पीस रहने देंगे तो वो भुनेगा भी सही नहीं। तो यहाँ पर मसाले ऐड करते हैं, पानी तकरीबन सारा ड्राई हो गया, कीमे ने कलर भी चेंज कर दिया। तो मैं यहाँ पर अब इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, आप ये टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। क्योंकि मैंने ग्रीन चिली इसमें डाली है तो मैं रेड चिली थोड़ी सी कम डालूंगी। तो खैर मैंने यहाँ पर हाफ जो टेबल स्पून है रेड चिली डाली है। और हल्दी पाउडर मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ, सूखा धनिया पाउडर पिसा हुआ वो मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी। ज़ीरा जो है मैंने साबुत वाला वो भी मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है। नमक जो होगा वो हम टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। और रेड चिली क्रश वाली जो होती है वो भी इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया है। और जनाब जी बस यही वाले मसाले हैं बेसिक से जो इसके अंदर ऐड होंगे। सबसे लास्ट में हम जो गरम मसाला होता है ना पिसा हुआ वो डालेंगे थोड़ा सा सबसे लास्ट के अंदर। अब इस सारे मसाले डालकर मैं थोड़ा सा इनको कुक करूँगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कीमे में थोड़ा सा ना अभी पानी नज़र आ रहा है। तो इसी मसाले के अंदर पानी के साथ ये ना मसाले जो है सारे भुन जाएंगे। जो लास्ट में मैंने डाला है ये मैंने पेपरिका का पाउडर डाला है, थोड़ा सा इससे ना कीमे का जो कलर बड़ा प्यारा सा हो जाता है, रेड रेड सा आता है। तो ये कभी कभी मैं डाल देती हूँ, या कश्मीरी लाल मिर्च आपके पास हो वो भी डाल दें, क्योंकि वो तेज़ तो होती नहीं है, बस उसका कलर ही आता है उसके अंदर। तो ये आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा और अब हम कीमे को अच्छे से कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट, ताकि जो मसाले हैं वो पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। जो और थोड़ा सा जो पानी रह गया है 1-2 मिनट में ये भी ड्राई हो जाएगा, ये भी ड्राई हो जाए। तो साथ ही अब इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो हमने ऐड करने, जो हमने टमाटर और जो जिंजर थी, ग्रीन चिली थी, उसकी पेस्ट बना कर रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और टमाटर और अदरक की जब पेस्ट मैंने बनाई थी तो मैंने इसके अंदर 1/2 कप पानी ऐड करके फिर पेस्ट बनाई थी। अब इसी पानी के अंदर जो है ना कीमे ने गल जाना, माशाल्लाह से आधा कीमा तो हाफ डन तो हो चुका, गल चुका है। तो बाकी आपने जो है ना इसको अब इसी पानी में गला देना, कवर कर दें इसको। और साथ ही आपने जो है ना इसको अब लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर कीमे को गलने तक आपने अब इसको पकाना है। जब तक कीमा गल रहा था मैंने उतनी देर में बाकी किचन का काम कर लिया है, बाकी चीज़ें समेट ली हैं, जो जो मैंने फ्रिज से निकाली थी वो समेटी हैं और बाकी किचन को क्लीन किया, शेल्फ वगैरह क्लीन है, बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं। और यहाँ पर कीमा भी जो है ना माशाल्लाह से मेरा कुक हो चुका है, मसाला देखे कितने अच्छे से भुन गया। बिल्कुल आपने इसको हल्का सा इसके अंदर जब पानी रह जाए ना, तो आपने इसके अंदर अब जो आपके पास शिमला मिर्च आपने कट करके रखी हुई थी प्यारी सी मल्टी कलर की, इसको आपने इसके अंदर ऐड कर देना। और अब आपने जनाब जी शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इसको आपने पानी भी इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। या आपको बिल्कुल हल्का सा जब इसके अंदर पानी लगे ना नज़र आ, तब आपने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देनी है और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। एक दफ़ा मिक्स कर हम इसको जो है ना लो फ्लेम पर दम पर छोड़ देंगे, पानी कुछ नहीं डालेंगे। अच्छा ये इतने प्यारी ये लग रही है ना, मुझे तो इतनी प्यारी लगी है कि देखने से लग रहा था कि मैं इसको कितनी ये अच्छी टेस्टी तैयार हुई होंगी। और यही चीज़ मैंने बच्चों को भी दिखाई कि बेटा देखो कितनी खूबसूरत ये लग रही है। और इसी से आपको ना, जब चीज़ एक आपके सामने प्यारी लग रही हो ना, तो आपको खुद ही दिल करता है उसको इंजॉय करने का या उसको ट्राई करने का।
तो बहर यहाँ पर बच्चों को भी ना ये इसकी लुक देखकर ही उनको इसका टेस्ट इतना अच्छा लगा था माशाल्लाह से, उनको पसंद भी बहुत आई थी। अगर मैं सोच रही थी कि शायद बच्चे ये मैंने पहली मरतबा बनाई है तो वो नहीं पसंद करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत शौक से इसको इंजॉय किया था। और बच्चों को सब चीज़ें ही खानी चाहिए, चाहे वो थोड़ी क्वान्टिटी में खाएँ तो उनको ज़रूर ट्राई कराएं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, ताकि आगे ही आप पता है हमारे पास इतनी प्योर फूड नहीं है। अब हम लोग इतनी जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे प्योर फूड फूड खाते थे, उस समय हम अपने बच्चों को वो चीज़ें नहीं दे सकते, ऑर्गेनिक चीज़ें इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी पॉसिबल हो वेजिटेबल ज़्यादा क्वान्टिटी में बच्चों के फूड में ऐड करें। 5 मिनट ये पक चुकी हैं और इस वक्त मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी। सबसे लास्ट में इसके अंदर हमने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है थोड़ा सा, और हमारा आपको पता है ज़रूरी है हर खाने में धनिया ऐड करना, वो मैं धनिया ऐड करूंगी। और यहाँ पर धनिया ऐड करके मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी ये डिश तैयार है हमारी। और थोड़ा सा अगर आपने इसके अंदर अभी इसको जब दोबारा गर्म करना है ना, तो ये जब फिर नहीं, जब आप खाना सर्व करोगे तो दोबारा गर्म करोगे, तो बस अब आप इसको इतना ही पकाएं कि दोबारा गर्म करने पे ये मज़ीद गल ना जाए, मतलब एक्स्ट्रा आपने इसको गलाना नहीं है, ये अच्छी क्रंची सी ही कीमे के साथ मज़ेदार लगती हैं। तो बस यहाँ पे मज़ेदार सी हमारी खाना तैयार था, और मैं खाना तैयार करने के बाद आ गई थी बाहर और देख रही थी कि जनाब जी के क्या हाल है स्नो के। खाना मैंने सुबह इसलिए भी बना लिया था जल्दी कि एक तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो डेफिनेटली खाना रेडी होना चाहिए, दूसरा ये था कि ये स्नो क्लीन करना सबसे बड़ा काम होता है, तो मैंने पहले जो है ना खाना बनाया और उसके बाद ही मैंने स्नो क्लीन की थी, क्योंकि अगर स्नो क्लीन पहले करती तो खाना बनाने की हिम्मत नहीं रहनी थी, तो क्योंकि इससे आप वैसे ही बहुत थक जाते हो। अभी आप नेबर्स को देख ही रहे हैं कि वो मशीन के साथ इसको क्लीन कर रहे हैं, हमारा ड्राइवे भी साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्योंकि स्नो मुसलसल पड़ रही है तो उसकी वजह से जो है ना हल्का हल्का ड्राइवे में स्नो पड़ती ही रहती है, आप जितना भी क्लीन कर लो। तो जनाब जी ये शाम का टाइम है और अभी आए थे जॉब से, मज़ेदार सी ये बेकरी से, यहाँ पे हमारे किचन में एक बेकरी है, ज़बरदस्त सी बेकरी है, उसके ये जो स्वीट्स है ना, ये हर जो है ना उनके पास फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को आती है, तो हमें तो ये इतनी पसंद आई है कि हम लोग ना ये अक्सर ही मंगवा लेते हैं। तो इसकी पेस्ट्रीज हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ना इनकी स्वीट जो है ना स्वीट्स हैं इनके पास, तो ये हम लोग चाय के साथ इंजॉय कर रहे थे। साथ ही जो है ना मैंने पीनट मंगवाई थी, मेरी पीनट भी तंग थी और शाम में अक्सर दिल करता है थोड़ी बहुत ना पीनट खाने को, तो वो पीनट लेके आए हैं। इसके साथ ही जो है ना आप जी हमारी टायनोल ख़त्म थी, जो कि कैनेडा में रहने वाले बंदों को पता कि ये मेडिसिन अगर घर में ना ना हो तो आप संभले जिंदा नहीं रह सकते, हर वक्त आपको ये टायनोल वगैरह ना लेनी ही होती है। अभी जैसा कि स्नो क्लीन करने का टाइम चल रहा है और हर स्नो साफ करने के बाद आपकी बॉडी इतनी पेन करती है कि आपको एक टायनोल की टैबलेट तो लेनी ही मस्ट है, तो बस ये वाली डब्बी हमने मंगवाई है। और इसके साथ ही जो है ना खाने का टाइम हो गया था, मैं बच्चों को खाना सर्व करूंगी क्योंकि हम शाम में खाना खा लेते हैं जब अभी आ जाते हैं। तो इसके बाद पढ़ी थी हम लोगों ने अपनी नमाज और फैमिली टाइम था। इंशाल्लाह ताला मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइस।